प्रदर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि इतिहास की लिस्टिंग से संबंधित है। दोस्तों, हम लोगों ने कल पीसीएस की स्ट्रेटजी देखी थी 45 दिन में, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हिस्ट्री की लिस्टिंग दोस्तों कल से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हिस्ट्री लिस्टिंग का दोस्तों पहला वीडियो है और हमारा टॉपिक है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसकी स्थापना और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, इससे कम से कम दोस्तों ये मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के टोटल दोस्तों 15 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो 100% मान के चलिए कि कहाँ अधिवेशन हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, स्थापना कब हुई कांग्रेस की, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मेरे को प्राप्त होता रहे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक अन्य महत्वपूर्ण अपडेट है, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो इनिशिएटिव चलाया जा रहा है चैनल पर, उसको जरूर फॉलो कीजिए। 100+ क्वेश्चन ये आपको पीसीएस की परीक्षा में देगा। और दोस्तों, जो घटना सार का करंट का जो इनिशिएटिव चैनल पर चलाया गया है प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ, करंट अफेयर भी दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी खेल पुरस्कार यूपी स्पेशल, ये आपको 25+ क्वेश्चन दोस्तों आपको दे देगा प्रारंभिक परीक्षा में। और ये दोनों मिला के दोस्तों आप लोग 125+ क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं और इस बार प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ इसलिए, क्योंकि जो लोग कुछ भी नहीं किए केवल यही कर लें और इससे ही दोस्तों आपका काम हो जाएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन पे ऑल जरूर दबाइएगा ताकि सारे वीडियोज आपको मिलते रहे और एक भी वीडियो मत मिस करिएगा दोस्तों पीसीएस तक का, 12 जून तक का। बिल्कुल हम लोग दोस्तों कमिटेड वे में पूरी लिस्टिंग से पूरा हम लोग जीएस कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है, और पीवाईक्यू का ऑलरेडी मैंने सीरीज चला के रखा है, करंट अफेयर का मैंने घटना सार करा ही दिया है, और घटना चक्र का आई दृष्टि जो परीक्षा से पहले आता है वो भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। इतना दोस्तों अगर आप कर लेंगे ईमानदारी से, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा जो टॉपिक है महत्वपूर्ण अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस के सबसे पहले देखिए आपके सामने स्क्रीन पे मैंने शो किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये मेरी देखिए खुद की नोट्स है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जिससे मैंने तैयारी की है। 3 बार प्रारंभिक परीक्षा क्लियर की है आईएएस की, और 3 बार पीसीएस परीक्षा क्लियर की है जब से देना प्रारंभ किया है। तो ये किसी और की नोट्स नहीं है, केवल मेरी नोट्स है। और दोस्तों इसको आप लोग जो है आराम से पढ़िए, यूज़ कीजिए, और परीक्षा में ये आपको क्लियर कराएगी। ठीक है, सिलेक्शन दिलाएगी। दोस्तों देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है दोस्तों, एओ ह्यूम बोला जाता है, ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और ये संस्थापक और कांग्रेस के महासचिव भी थे। क्लियर हो गई बात दोस्तों, यहाँ मैंने देखिए लिखा हुआ है संस्थापक और कांग्रेस के महासचिव एओ ह्यूम। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखिए क्या करेंगे, अब अधिवेशन को मैंने क्या किया है, एक लिस्टेड फॉर्म में दोस्तों आपके सामने रख दिया है। अधिवेशन का क्रम क्या है, पहला ये, दूसरा किस वर्ष हुआ था, और स्थान, अध्यक्ष और महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो क्रम दोस्तों सबका नहीं याद रखना है, जिसका देखिए दोस्तों पूछा गया मैंने स्टार करके शो कर दिया है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों पहला अधिवेशन, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, स्थापना को भी पहला अधिवेशन कब हुआ, पहले अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 को, इसी में दोस्तों स्थापना भी कांग्रेस की हुई थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बम्बई में हुआ था और प्रथम अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। क्लियर हो गई बात दोस्तों, और दोस्तों संस्थापक और महासचिव मैंने आपको पहले ही बताया एओ ह्यूम, पूरा नाम एलेन ऑक्टोवियन ह्यूम, ये भी ध्यान रखिए कभी पूछ सकता है दोस्तों। किस वायसराय के टाइम में हुआ था, लॉर्ड डफरिन के टाइम में। ठीक है दोस्तों, तो लॉर्ड डफरिन के टाइम में ये भी पूछा जाता है दोस्तों, डफरिन ने क्या बोला था कांग्रेस को, इसे सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर मजाक उड़ाया था। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो देखिए मैंने सब कुछ दोस्तों कवर किया हुआ है लिस्ट में, कहीं एक क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि इतना कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसके और फॉलो जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और भी बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिले। दूसरा अधिवेशन दोस्तों 1886 में हुआ था, कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी अध्यक्ष थे, और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का INC में विलय हुआ दोस्तों। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, उसका कांग्रेस में विलय हुआ। देखिए महत्वपूर्ण घटनाएं भी मैंने लिख दिया है, आपको कहीं कुछ नहीं करना है, इसके अलावा इतना पढ़ लीजिए आपका काम हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय होता है दोस्तों दूसरे अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई
नौरोजी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, 1893 और 1906 में भी अध्यक्षता की थी, किसकी, कांग्रेस की। क्लियर हो गई बात दोस्तों। और 1893 और 1906 देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, 1906 का जो अधिवेशन था उसमें स्वराज संबंधी प्रस्ताव पूर्ण रूप से पारित किया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, देखिए मैंने पहले ही अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट कर दिया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो उसमें कलकत्ता में हुआ था, और जो प्रस्ताव, चार प्रस्ताव पारित किए गए थे, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, ये चार प्रस्ताव दोस्तों पारित किए गए थे दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों सब्सक्राइब तो बनता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा अधिवेशन दोस्तों जो 1887 में हुआ था दोस्तों मद्रास में, और दोस्तों जहाँ जहाँ स्टार लगा दोस्तों ये आए हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा अधिवेशन ये पूछा गया है, कौन सा क्रम था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1896 में देखिए यहाँ स्टार लगा है, ये भी ध्यान रखना है। बम्बई में यहाँ स्टार लगा, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी स्टार लगा, ये भी ध्यान रखना है। ध्यान कुछ छोड़िएगा ना दोस्तों, नहीं तो एक वही प्रश्न हो सकता है आपका संभावित, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ, अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है दोस्तों। तो ये पूछा है सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बता देना है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आराम से पढ़ लीजिए। कांग्रेस के संचालन का भार विषय निर्धारण समिति को सौंपा गया, इसमें ये काम हुआ था। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये भी प्रश्न आ सकता है। इसके बाद दोस्तों चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये भी पूछा गया है, क्रम भी पूछा गया है दोस्तों। 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, और जॉर्ज यूले जो थे वो आपके अध्यक्ष थे, ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1894 मैंने यहीं पे कवर कर दिया है, 1894 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था, और अल्फ्रेड वेब जो है उसके अध्यक्ष दोस्तों। क्लियर हो गई बात, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए क्रम सबका मैं नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सीक्वेंस वाइज, ईयर वाइज नहीं है, तो उतना महत्वपूर्ण भी नहीं, जितना महत्वपूर्ण है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों जो अगला अधिवेशन 1905 में महत्वपूर्ण है, ये आपका क्या था, बनारस में अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष जो दोस्तों थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण क्यों है, कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम चर्चा की थी दोस्तों, ठीक है। 1906 में इसके अगले साल पारित हुआ था प्रस्ताव, लेकिन चर्चा कब हुई थी, 1905 में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, हाईलाइट किया है मैंने। इसके बाद दोस्तों 1907 देख लेते हैं दोस्तों क्रम वाइज। 1907 में छह हम लोगों ने देख लिया, कौन कौन से प्रस्ताव पारित हुए, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव और स्वराज संबंधी प्रस्ताव पूर्ण रूप से पारित। क्लियर हो गई बात दोस्तों, चार प्रस्ताव हैं, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है, 1906 में। क्लियर हो गई बात, 1905 के बाद 1906 हम लोगों ने कर लिया। 1907 देखते हैं, सूरत में हुआ था अधिवेशन, रास बिहारी बोस थे। महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस का विभाजन हुआ था, सूरत स्प्लिट कहा जाता है इसको, ठीक है, सूरत विभाजन या कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये अधिवेशन कौन सा था, 23वां अधिवेशन था, पूछ सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया है। इसके बाद दोस्तों 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे, सर्वप्रथम जनगण मन राष्ट्रगान गाया गया था, और यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगला में रचित है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये मैंने लिख दिया है, सर्वप्रथम जनगण मन कब गाया गया था दोस्तों, तो कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में 1911 में, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। डेट भी मैंने लिख दिया, 27 दिसंबर। इसके बाद दोस्तों आ जाइए 27वां अधिवेशन दोस्तों, महत्वपूर्ण क्यों है, 1912 का, ये बांकीपुर में हुआ था दोस्तों, और बांकीपुर में इसके जो अध्यक्ष थे आर एन मुधोलकर थे, ठीक है दोस्तों। अब आर एन मुधोलकर अध्यक्ष थे दोस्तों, तो इसमें क्या क्या हुआ था ये देख लेते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1916 महत्वपूर्ण है, देखिए 1907 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरमपंथी और गर्मपंथी के कारण, और 1916 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों में पैचअप हुआ था, ठीक है। मतलब गर्मपंथी जो गए थे कांग्रेस छोड़ के, वो पुनः वापसी उनकी होती है किसमें, लखनऊ अधिवेशन में, तिलक की अध्यक्षता में। यहाँ पे तिलक की अध्यक्षता में विभाजन होता है दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे पुनर्वापसी होती है, और इसके अध्यक्ष थे दोस्तों अंबिका चरण मजुमदार, एग्जाम में पूछा गया है, लखनऊ में हुआ था, लखनऊ समझौता भी इसको बोलते हैं, 1916 में हुआ था, इम्पॉर्टेंट है। अब क्या क्या इसमें हुआ था दोस्तों, कांग्रेस और लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट हुआ था दोस्तों, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। और दोस्तों इस अधिवेशन में तिलक ने कहा था, लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो सबसे पहले स्वराज शब्द कहाँ पे आया,
नारे के रूप में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने बोला था किसमें, लखनऊ अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए 1916, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, क्यों फेमस है, क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। देखिए एग्जाम में पूछा है एनी बेसेंट, मैंने स्टार भी किया है, ठीक है, कौन थी, एनी बेसेंट, मैंने स्टार किया है, अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है। इसके बाद दोस्तों 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी ये, और 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था। बहुत फेमस व्यक्तित्व थी, इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में बहुत अहम रोल निभाया। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, दिसंबर 1919 में अमृतसर में अधिवेशन हुआ, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और तिलक ने इसमें अंतिम रूप से भाग लिया था। दोस्तों कौन सा अधिवेशन था जिसमें तिलक ने अंतिम रूप से भाग दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये दोस्तों एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन ऑलरेडी कर दिया है, एक भी चीज मत छोड़िएगा दोस्तों, इससे 100% क्वेश्चन मिलने वाला है आपको। दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन, सी विजय राघव चेरियार, कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। क्लियर हो गई बात, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है। इसके बाद दोस्तों सदस्यता शुल्क कांग्रेस का 4 आना किया गया, क्लियर हो गई बात दोस्तों, ताकि जनता से और जुड़ाव बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सितंबर 1920 कलकत्ता का विशेष अधिवेशन दोस्तों होता है, जिसमें लाजपत राय, जिसको शेर पंजाब इनको बोला जाता था, उन्होंने अध्यक्षता की थी और असहयोग का प्रस्ताव दोस्तों स्वीकार किया गया था, ठीक है, विशेष अधिवेशन में, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था इसलिए, और अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था, सी आर दास इसके अध्यक्ष थे लेकिन ये जेल में थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कि किस अधिवेशन के समय सी आर दास जेल में थे, तो आपको बताना है 1922 का गया अधिवेशन। क्लियर हो गई बात, स्टार वाला एक भी छोड़िएगा मत दोस्तों, ये ध्यान रखिए। 1924 बेलगांव में दोस्तों, बेलगांव में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, एकमात्र अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे दोस्तों, ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, वह अधिवेशन बताइए जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। 40वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में होता दोस्तों, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी दोस्तों, तो प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों एनी बेसेंट 1917 याद रखिएगा, और 1924 सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, क्लियर हो गई बात। देखिए ऑलरेडी स्टार है, और ये यूपी की राज्यपाल रही थी 1947 से 1948 के बीच में दोस्तों, तो जितनी मेहनत दोस्तों मैंने खुद के लिए की थी प्री निकालने के लिए, आप लोगों को मैं पूरा समर्पित कर दे रहा हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इसके बाद दोस्तों 1929 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, और 1929 के अलावा इन्होंने कहाँ कहाँ अध्यक्षता की थी, 1936 के लखनऊ अधिवेशन में और 1937 के फैजपुर अधिवेशन में भी अध्यक्षता की थी, ये ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने एक साथ लिख दिया है यहाँ पे, आप लोगों को कहीं कुछ नहीं करना दोस्तों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ लेंगे ना तो आराम से क्लियर हो जाएगा। 1931 में दोस्तों कराची अधिवेशन, सरदार पटेल ने अध्यक्षता की थी, गांधी इरविन समझौते को मंजूरी मिली, मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों पर जवाहरलाल नेहरू के प्रारूप, जिसको आर्थिक कार्यक्रमों पर प्रस्ताव नेहरू ने प्रारूपित किया था, ठीक है, ये बोला जा रहा है, ठीक है, गांधी इरविन समझौते को मंजूरी मिली और मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प जो है वो नेहरू ने प्रारूपित किया था, ये भी आया है, ठीक है। 1934 में दोस्तों बम्बई में अधिवेशन हुआ, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका अधिवेशन होता है 1938 में हरिपुरा गुजरात में, और सुभाष चंद्र बोस साहब इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ, जिसमें प्लानिंग की दोस्तों इंडिया में अगर शुरुआत हुई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा, तो राष्ट्रीय नियोजन समिति के रूप में, और इसके अध्यक्ष दोस्तों थे पंडित नेहरू, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई थी, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों 1939 में त्रिपुरी में, जबलपुर में अधिवेशन होता है दोस्तों, फिर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुन लिए गए, लेकिन महात्मा गांधी की इच्छा नहीं थी, इस वजह से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और राजेंद्र प्रसाद साहब को अध्यक्ष बनाया गया, क्लियर हो गई बात दोस्तों। और त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस साहब ने अध्यक्षता से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और फिर वो जर्मनी चले जाते हैं, क्लियर हो गई बात दोस्तों, स्पष्ट है, तो इस ये एक एक क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगला दोस्तों 1940 से 1945 तक 6 वर्ष लगातार दोस्तों अबुल कलाम आजाद जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ये पूछा जाता है दोस्तों कौन निम्नलिखित में से सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहा, तो अबुल कलाम साहब, ठीक है दोस्तों।
ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। एक एक संभावित क्वेश्चन कवर किया दोस्तों, आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 1946 का मेरठ अधिवेशन, JB कृपलानी साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये आज़ादी के समय भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है JB कृपलानी साहब, और आज़ादी के समय कौन अध्यक्ष था, तो JB कृपलानी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 55वें में 1948 में होता है दोस्तों जयपुर में, और पट्टाभि सीतारामैया दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद दोस्तों 1950 में दोस्तों नासिक में अधिवेशन होता है दोस्तों, और पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष थे। क्लियर हो गई बात दोस्तों। अब दोस्तों देखिए एक रह गया था, ये हम लोगों ने कवर कर लिया, 1894 मद्रास अल्फ्रेड वेब आगे ही। इसके बाद दोस्तों 31वां हुआ था 1915 में बम्बई में दोस्तों, तो इसमें दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था, इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। ये पूछा गया दोस्तों, लॉर्ड विलिंगटन जो बम्बई का गवर्नर था, उसने किस अधिवेशन में भाग लिया था कांग्रेस के, या कांग्रेस के 1915 के अधिवेशन में बम्बई का गवर्नर कौन था जिसने उसमें भाग लिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स दोस्तों मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए। 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, और कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाने के लिए कोशिश की। यह समिति कांग्रेस की थी, और इसने इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला 1890 में, ये भी क्वेश्चन आया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1900 में कर्जन ने कहा, कांग्रेस लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है, मेरा सबसे बड़ा मकसद यह है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिए, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या कहा था किसने, लॉर्ड डफरिन ने स्थापना के समय, और गर्जन ने क्या कहा था 1900 में, कांग्रेस लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। इसमें से एक क्वेश्चन दोस्तों आना ही आना आपका 22 में, 2022 UPSC में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे विलियम वेडरबन, और सचिव थे विलियम डिग्बी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के अनुसार जो मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखा जाना था, इसके लिए दोस्तों महात्मा गांधी के साथ कार्य करने हेतु NC केलकर और IB सेन को चुना गया दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो एक एक क्वेश्चन दोस्तों जो आया है दोस्तों कांग्रेस से संबंधित, मैंने पूरा कवर कर दिया दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब आप लोग करेंगे तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, और दोस्तों ये दो क्वेश्चन ये निश्चित रूप में दे जाएगा ये वीडियो, और इसी तरह दोस्तों हम लोग हिस्ट्री की लिस्टिंग को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हिस्ट्री के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग दोस्तों पॉलिटी पे आ जाएंगे, पॉलिटी के बाद दोस्तों हम लोग साइंस पे आ जाएंगे दोस्तों, फिर हम लोग आ जाएंगे इन्वायरमेंट पे, और फिर दोस्तों हम लोग आ जाएंगे ज्योग्राफी पे, ठीक है दोस्तों। कुछ आगे पीछे भी कर लेंगे, इतना दोस्तों अगर आप करके चले जाएंगे निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ। और PYQ जो मैं चला रहा हूँ चैनल पर, आपका PCS दोस्तों 125 क्वेश्चन ना करके आइएगा तो जो कहिए सो, ठीक है दोस्तों। अनसब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं, क्लियर हो गई बात दोस्तों। इतना अगर आप कर लेंगे तो सिलेक्शन आपको ही पता है कि हो ही जाएगा। और घटनाचक्र का करंट का इनिशिएटिव जरूर फॉलो कीजिए, PYQ जरूर फॉलो कीजिए, 125 ले आइए, और अपना भी सिलेक्शन लीजिए, एक पद सुनिश्चित करिए। फिर मेंस में आपको गाइड करेंगे ऐसे राइटिंग के लिए, हिंदी के लिए, और मेंस की आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। और ऐसे में आपको पता है दोस्तों 9 में से 5 क्वेश्चन दोस्तों सीधे सीधे ऐसे फंसे हैं, और 11 वीडियोज मैंने केवल बताए थे बच्चों को, और उसमें से 5 ऐसे फंस गए दोस्तों, और बच्चे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। 50 से ज़्यादा बच्चे कॉल कर चुके हैं। आप लोग भी चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, UPSC 2022 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, PYQ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिस्टिंग का, और प्लेलिस्ट का, और घटनासार के करंट की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सब फॉलो कीजिए। और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो GS के हैं उनका भी ग्रुप जो है दोस्तों लिस्टिंग का, दोस्तों मैं आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, सबको फॉलो कीजिए दोस्तों, और PCS तक एक भी वीडियो मिस नहीं करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर।